वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल न्यू यूनिट मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका किसी भी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स अगर आपने नहीं करा, आपने बेसिक कैलकुलेशन नहीं करा, एडवांस कैलकुलस नहीं पढ़ा, लीनियर प्रोग्रामिंग आपने नहीं पढ़ा, तो भी आपका इससे इस यूनिट के ऊपर कोई भी लेना देना नहीं है। सभी स्टूडेंट जो आज फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो वो यहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं आएगी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में। आपने देखा कैलकुलस में दो यूनिट थे, एक आपका बेसिक कैलकुलस था, एक एडवांस कैलकुलस था। तो वो आपका काफी लेंथी था, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था उसका, तो वो हमने उसको अच्छे से फिनिश कर लिया। उसका आपके एग्जाम में भी वेटेज बहुत अच्छा खासा वेटेज उसका कैलकुलस का रहा है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की, जिसका 20% का वेटेज आपके एग्जाम में रहेगा, और ये भी एक डिटेल और थोड़ा सा लेंथी है। और छोटे सबसे दो टॉपिक आपके पास में, सबसे छोटा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसके बाद आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हैं। वो दो टॉपिक आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, और आपका कैलकुलस के भी दो यूनिट हो गए हैं, आपके चार यूनिट हो गए हैं। लास्ट यूनिट हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम से एटलीस्ट हम 10 days या फिर 1 week पहले कंप्लीट कर पाए, और इससे फिर जो लास्ट के 10 days या 7 days होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ टेन्योर के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए सेशन। तो पहले मैथमेटिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप देखिएगा, और मैं बीच बीच में आपको, जैसे कि मैंने कैलकुलस आपका भी लाइव क्लासेस में खत्म करा, तो मैं बीच बीच में आपका टेस्ट लेना स्टार्ट करूंगा, जिसमें कि मैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस के क्वेश्चन आपका डाल दूंगा। तो जैसे कि शनिवार को मैं सैटरडे का दिन आपको बता देता हूँ कि सैटरडे को मैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस का आपका टेस्ट लूंगा, और मैथमेटिक्स और फाइनेंस में सैटरडे को मैं आपका कैलकुलस का टेस्ट लूंगा। एक सेकंड होल्ड करें। हाँ जी, स्टार्ट करें। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आज हम सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग और बेसिक कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस, ये चार यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट यूनिट 5th यूनिट है। एग्जाम से हम 10 days 1 week पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, और जो लास्ट का वीक होगा उसमें हम पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं। लेकिन आपके लेटेस्ट क्वेश्चन जो 3 साल के 2023 में 22 21 20 और 19 18 यहां तक के जो क्वेश्चंस हमारे आए हैं, उस क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। अब बीच में जैसे कि आपका आपने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, आप मैथमेटिक्स और फाइनेंस से पूरा आपका फोकस हो जाएगा। ये एक लेंथी यूनिट है, जैसे कि कैलकुलस जितना तो नहीं है उससे कम है, बट आप ये लेंथी यूनिट है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अब आप कैलकुलस आपके माइंड से आउट ना हो जाए, तो मैं कैलकुलस का टेस्ट आपका लेता रहूंगा। तो मैं नोटिफिकेशन में कल डलवा दूंगा कि मैं कैलकुलस में से कितना टेस्ट आपका ले रहा हूं। बेसिक कैलकुलस का टेस्ट होगा, बट बेसिक कैलकुलस में कौन कौन सी, मतलब कितने आप बेसिक कैलकुलस को अपना प्रिपेयर कर ले, और उसमें से मैं एक टेस्ट शनिवार को आपका लूंगा, बट फिर भी कहां तक के टॉपिक्स का लूंगा वो भी मैं आपको कल नोटिफिकेशन में बता दूंगा। ठीक है, तो अपने टेस्ट से रिलेटेड आप प्रिपेयर रहें। तो बेसिक कैलकुलस सैटरडे को शाम को आपका टेस्ट है, सही बच्चे उसको प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चे, और बेसिक कैलकुलस को जो आप प्रिपेयर करोगे, जितने वीडियोस हैं 10, 12, 15, 14 वीडियो हैं आपके पास में, आज का दिन है, 3-4 वीडियोस आज देख सकते हो, 3-4 आप कल देख सकते हो, फ्राइडे है, और आप सैटरडे को शाम को टेस्ट लूंगा या मैं, तो 2-3 वीडियो जब देख लोगे तो बेसिक कैलकुलस आपका कवर हो जाएगा। और जितना मैंने पढ़ाया है ना आपको, जितना पढ़ाया हुआ है, अब बस उसी का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली और आपको लगता है कि आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप 10 ईयर में बेसिक कैलकुलस से रिलेटेड जो 30-32 सवाल हैं, उस 32 सवाल को कर लीजिए। ठीक है, आपका टेस्ट बहुत शानदार जाएगा, पेपर में आपके क्वेश्चंस 100% अटेम्प्ट होंगे। तो बेसिक कैलकुलस का टेस्ट सैटरडे को है, फिर उस टेस्ट को मैं सॉल्व भी करवा दूंगा बाद में। ठीक है, तो साथ साथ 10 ईयर हम कैलकुलस से कवर करेंगे। मैथमेटिक्स और फाइनेंस फिनिश होते ही हम मैथमेटिक्स और फाइनेंस का 10 ईयर से क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देंगे, तो साथ साथ 10 ईयर भी आपका हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है ईमानदारी के साथ में आपके एग्जाम्स में अच्छे से पेपर आपका अटेम्प्ट हो। चलिए बच्चे, हाँ जी,
मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला टॉपिक आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है आज की क्लासेस में उस चीजों पे बात नहीं करेंगे। आज की क्लास में पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपके लिए मैं कहता हूं कि आपने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा उनमें से सबसे ज्यादा यूजफुल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई चीज टॉपिक आपका रहेगा तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस रहेगा। इवन अगर आप एमबीए करते हैं या फिर आप एमबीए फाइनेंस में करते हैं तो वहां पर भी आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ये टॉपिक रिपीट होगा। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन में इस यूनिट को कर लेते हैं तो आगे चीजें आपके लिए काफी आसान रहेंगी और प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसका जबरदस्त यूज आपके लाइफ में रहने वाला है। तो जितना भी आप बिजनेस मैथ्स पढ़ेंगे सबसे ज्यादा यूज डेली बेसिस पे मैं कह सकता हूं इसका यूज आपका रहेगा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। तो इसको बड़ा इंटरेस्ट लेकर के आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो क्वेश्चंस और आंसर पे बाद में बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है उस पर बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको समझ में आ गया फिर मैं बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया फिर हम आगे धीरे धीरे अपने टॉपिक को होले होले बढ़ाएंगे। तो आइए बच्चे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट देखिए चैप्टर चालू ही हुआ किस वर्ड से, सिंपल वर्ड से। सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चे सिंपल इंटरेस्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, जब भी कोई पैसा आप उधार लेते हो या फिर कोई पैसा किसी को उधार देते हो जो शुरुआती पैसा होता है स्टार्टिंग में जिससे कहानी की शुरुआत होती है उस स्टार्टिंग वाले पैसे को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप, क्लियर है। उसके बाद प्रिंसिपल के बाद आपके पास में आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली बच्चे आप जब भी पैसा उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो ये डिसाइड करना होता है कि आप एक समय के बाद आप सिर्फ वही पैसा नहीं लौटाएंगे। अगर आपने किसी उधार लिया आपको उस पैसे को लौटाना तो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्लस तो कुछ एक्स्ट्रा भी आपको लौटाना पड़ता है। अब एक्स्ट्रा क्यों लौटाना पड़ता है उसके बारे में बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप मुझसे आज आप 1,00,000 रुपए उधार मांगते हैं तो मैं तो आज 1,00,000 रुपए में कुछ गोल्ड या फिर बाकी कुछ कमोडिटीज अपने लिए बाय कर सकता हूं मार्केट से आज के डेट में, लेकिन ये 1,00,000 रुपए मैं आपको उधार देता हूं तो मैं वो चीजें नहीं खरीद पाऊंगा उनसे। चलो मैंने आपको दे दिया लेकिन आपने 1 साल के बाद मुझे मेरा 1,00,000 रुपए ही लौटाया तो अब मैं वापस अपने जरूरत की चीजें जो चीज मेरे माइंड में था वो लेने जाऊंगा तो शायद मैं उसकी उतनी मात्रा को नहीं ला पाऊंगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा तो मेरा 1,00,000 रुपए उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो आपने मुझसे 1,00,000 रुपए लिया गोल्ड ले लिया और मैं अब 1 साल बाद गोल्ड लेने जा रहा हूं तो भाई मेरे को तो उतना गोल्ड मिल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे आपको पैसा देने से नुकसान हो गया है। तो अपने इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पैसा देते हैं वो तो लेते ही लेते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मेरा पैसा इन फ्यूचर इतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है। तो जो हम एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं कि भैया जो प्रिंसिपल के साथ में जो एक्स्ट्रा पैसा देंगे वो इंटरेस्ट होता है। अब ये इंटरेस्ट डिसाइड कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट से डिसाइड होता है। रेट क्या होता है, रेट कुछ नहीं प्रिंसिपल का हिस्सा होता है, लाइक 10% मैंने बोला इसका मतलब ये हो गया जितना पैसा आप मुझसे उधार लेंगे वो तो दोगे दोगे उसका 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 5% जितना उधार लोगे वो तो दोगे दोगे उसका आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपके पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट और जनरली आपके इंफॉर्मेशन में जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा वो कैसा गिवन होगा, वो आपका एनुअल गिवन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा दिया होगा आपका, आपका एनुअल दिया होगा पर एनम, ठीक है सालाना। तो प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज के फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चे। और इसके बाद आपका अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है रुपीज के फॉर्म में होगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपके पास में पर एनम होता है 1 साल। अब ऐसा है नहीं कि मैंने आपको कहा कि आप मुझसे 1,00,000 रुपए उधार ले रहे हैं तो आप 10% ब्याज दे देना, आप 20 साल बाद आ रहे हो, सर आपका 1,00,000 रुपए उस पर 10% ब्याज 10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए लो। अब बताइए जरा ये 20 साल बाद मेरा 1,00,000 रुपए 10,000 रुपए सिर्फ आपके ब्याज दे देने से क्या मेरा लॉस कंपनसेट हो जाएगा, नहीं, मेरा पैसा बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी होगी। तो इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना कि मैं इतना ब्याज लूंगा उसके साथ में रहता है कि 10% पर एनम, ये बताता है आपको कि 10% मैं आपसे एक्स्ट्रा लूंगा 1 साल का, अगर आप 2 साल बाद आओगे तो अगले साल का 10% आपको फिर देना पड़ेगा और देना पड़ेगा, तीसरे साल आओगे उसका 10% आपको फिर देना पड़ेगा। तो इसलिए पर एनम वर्ड यूज होता है, क्या यूज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, पर एनम।
और आप जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो फिर इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जब आप अपना पैसा लौटाते हो, मतलब प्रिंसिपल और उसका जो ब्याज बनता है इंटरेस्ट, सारा पैसा जो लौटाते हो उसको हम अमाउंट बोलते हैं, उसको हम सम ऑफ मनी या फिर हम उसको अमाउंट बोलते हैं, एक ही बात है। मैं कई बार बुक में आपको एस लिखा हुआ मिलेगा, किसी बुक में आपको ए लिखा हुआ मिलेगा, पी प्लस आई। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? प्लस में आपको यहां पर टाइम भी मेंशन होगा, एक टर्म यूज होता है टाइम। टाइम आपका कैसा होना चाहिए? ईयरली होना चाहिए। क्लियर है टाइम? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का 10% है मान लीजिए, और टाइम भी आपका साल का होना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर 10% साल का है और 6 महीना समय हो तो आप तो इस हिसाब से तो आप 10% एक बारी का तो 6 महीना, 6 बारी तो 60% ब्याज दे बैठोगे, नहीं ना, गलत हो गया ना। तो 6 महीने को आप पर एनम में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता है, 6 महीने को 1 साल में, ईयर में तो 1/2 होता है। तो बेसिकली आप आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% ब्याज दोगे। ये सही है कि 10% सालाना ब्याज बोल करके पैसा लिया था, और 6 महीने में अगर अगला आ जाए तो उसको 10% क्यों दोगे, वो साल में थोड़ी आया, 6 महीने में आया तो उसका आधा करके दोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है ना, तो टाइम भी आपका ईयरली ही होना चाहिए। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा केस लेते हैं, कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन समझते हैं। मान लीजिए 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम होगी, चलिए छोटी रकम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अभी मुद्दा आपको समझाना है, प्रिंसिपल आपका है 1,000 रुपए, ठीक है बच्चे? 1,000 रुपए आप मुझसे उधार लेते हैं। मैंने आपसे कहा ठीक है जी, आप ले रहे हैं 10% मैं आपसे पर एनम का मतलब समझ जाइए, 1 साल में 10% मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और आप मेरे पास में 3 साल के बाद आते हैं, तो सवाल यह है कि मेरा इंटरेस्ट कितना बनता है। तो जाहिर सी बात है मेरा 1,000 रुपए है, 1 साल यूज करोगे पहले साल, और उस पर आप मुझे 10% ब्याज दोगे, तो 10% ब्याज कितना बनता है मेरा? 100 रुपये बनता है 1 साल के एंड में, ठीक है? और सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है कि जितना पैसा आप मुझसे उधार लेकर जा रहे हो, बस इसका ध्यान रखो, इसी पे ब्याज देना। अब नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो आपका ब्याज बनता है, तो 10% तो बनता है, ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन कितना बनेगा? तो आप उधार लेके क्या गए 1,000 रुपए, तो 1,000 का 10% कितना बनेगा? 100 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है कि वही रेट थर्ड ईयर, वही रेट वहीं जाके लगेगा, तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट थोड़ी देगा, रिजल्ट सेम देगा। तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो पैसा उधार लिया है उसी पर ब्याज देना होता है, तो वही रेट वही लगता है, तो इंटरेस्ट भी आपका क्या आता है, इंटरेस्ट भी आपका हर बार का वही आएगा। इसलिए आप सिंपल इंटरेस्ट में हेलो, आ रही बच्चों आवाज? हेलो, अब ठीक है? कमेंट करके जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो आपने आपने क्या क्या कहा कि सर बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, हर बार का तो वही रहना है इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल पे ब्याज देना होता है, तो आप एक बार कैलकुलेट करके जितना समय उतने समय से गुणा कर दो और आपका ब्याज आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही बात करी। तो आप मुझे क्या एडवाइस कर रहे हो, उस एडवाइस को जरा रिपीट करता हूँ। आप कह रहे हो सर प्रिंसिपल पर एक काम करो, आप रेट अप्लाई कर दो तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का, क्योंकि एनुअल है, उसको मल्टीप्लाई बाय टी से कर दो। मैंने बोला बिल्कुल सही, इससे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, और वो भी इंटरेस्ट कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला आपके मन में, ये माइंड में आ गया, क्लियर है? और बात करते हैं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो आप प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, तो इसी से बाकी चीजें निकलेंगी ना आपकी, कैसे? एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी, सॉरी पी तो फाइंड ही कर रहे हैं, तो आर इंटू टी, आप आर निकाल रहे हैं, तो एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 आर निकाल रहे हैं, तो बाकी बच गया पी और टी, आप टी निकाल रहे हैं, तो एस आई इंटू 100 बाकी बच गया पी और आर,
तो बस ये आप इन बातों को आप ध्यान रखना है आपने, तो बस एसआई निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। एसआई क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। और एसआई के अलावा अगर आप कुछ और फाइंड कर रहे हो तो वहां पर ऑलवेज आपका एसआई इंटू 100 नोमिनेटर में आ रहा है तीनों सिचुएशन में। पी फाइंड कर रहे हो तो बचते हैं आर और टी, तो चार चीजें पी आर टी एसआई। अगर आप एसआई निकाल रहे हो तो तीनों को मल्टीप्लाई अपॉन 100। एसआई छोड़ के अगर आप पी निकाल रहे हो तो हमेशा एसआई नहीं फाइंड कर रहे हो तो एसआई इंटू 100 नोमिनेटर में आएगा। पी निकाल रहे हो एसआई इंटू 100 नोमिनेटर में। पी निकाल रहे हो आर और टी बचा आर इंटू टी नीचे, टी निकाल रहे हो आर इंटू पी नीचे और एसआई इंटू 100 ऊपर आएगा। ध्यान रहेगा आपको फॉर्मूला। अब जैसे क्वेश्चन देखिएगा आप, फाइंड द टाइम रिक्वायरमेंट, टाइम आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 2500 रुपए टू येट फॉर एट द 300 रुपीज इन अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ 8 इयर्स। देखिए प्रिंसिपल क्या आपका, प्रिंसिपल आपका 2500 रुपए आपने इन्वेस्ट करा और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करा, आपने 8% पर आपने इन्वेस्ट करा और आप उससे ब्याज चाह रहे हैं कि भैया मुझे ब्याज के तौर पर मुझे 300 रुपए ब्याज मिल जाए, तो बोल रहे हो कितने समय के बाद ऐसा होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या दिया, कभी भी आपके पी आर टी एस आई में से चार में से तीन चीज गिवन होंगी तो आप अपने फॉर्मूले पर डिपेंड हो जाइए। टाइम इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एस आई इंटू 100, टी यहां आ गया तो क्या बचा, पी और आर। तो टाइम इक्वल्स टू एसआई, एसआई क्या आपका 300 है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू आर। सॉल्व करेंगे आप यहां पर तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 25 से ये आपका 4 हो गया, 4 से ये आपका 2 हो गया और ये आपके पास है 1.5 ईयर, ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। क्लियर है बच्चे, बात समझ गए, कोई डाउट किसी बच्चे को, तो आप इस तरीके से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटे छोटे सवाल है इसमें, तो बहुत बेसिक है, डे वन है, बड़ा बेसिक ही रहने वाला है सेशन आज का, कुछ खास तो नहीं होने वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट से चीजें तगड़ी होनी स्टार्ट हो जाएंगे। एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट विल बी, अब देखिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूछ रहा है। आपने इन्वेस्ट कितना करा, आपने इन्वेस्ट करा 3000 रुपए। इन्वेस्ट क्या करा आपने बच्चे, आपने इन्वेस्ट करा 3000 रुपए और आपको इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट आपको एसआई मिला 120 रुपए इन अ 6 मंथ और टाइम क्या रिक्वेस्ट आपका है 6 मंथ। हमेशा ध्यान रखना टाइम को आपको क्या करना है, टाइम को ऑलवेज आपका ईयर में होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए आपका, टाइम आपका हमेशा ईयर में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका टाइम डेज में गिवन है तो डिवाइडेड बाय 365 कर देना, अगर आपका मंथ में गिवन है तो डिवाइडेड बाय 12 कर देना। क्लियर है बच्चे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, और आपका टाइम ईयर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम आपका ईयर में होना चाहिए। क्यों ईयर में होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना है तो उसी के हिसाब से चलेंगे ना, तो आप टाइम को पहले ठीक करें। तो आपके पास में 6/12 तो टाइम आप कंसिडर करेंगे 1/2 ये ईयर। अब यहां पर आपके पास में टी है, पी है, ऐसा ही है और पूछ का रेट, तो मैंने क्या कहा चार में से तीन चीजें कोई भी गिवन है एक पूछ ले तो अपने फॉर्मूले पर डिपेंड हो जाइए। एसआई इंटू 100, आर पूछ रहा है तो क्या बच गया, पी इंटू टी, आर इक्वल्स टू एसआई। ब्याज कितना मिला आपको 120 इंटू 100 तो फिक्स है कॉन्स्टेंट नंबर अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या आपके पास में 3000 और इंटू टी, टाइम क्या आपके पास में 1/2 तो 1/2 रिवर्स हो जाएगा ना, चलिए अभी कर देते हैं, तो आपका 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और ये आपका 4 हो गया, रिवर्स हो जाएगा तो रेट इक्वल्स टू क्या आया आपका 8% आया। क्लियर है, और आप इस ये बात समझ में आ गया आपका, और वैसे भी आप चलिए ये इतना समझ में आ गया, फिलहाल इतना ही रखिए, ज्यादा इसको मैं बहुत शॉर्टकट से ही बता सकता हूँ इसको, बट उसके मार्क्स मिलने नहीं तो रहने दो। वैसे भी आपको पता है ना 6 महीने का 120 है 240 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा, 1 साल का 240 रुपए 3000 कितना परसेंट है, तो निकाल सकते हैं आप 240 डिवाइडेड 3200। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू, कौन सा प्रिंसिपल ये अमाउंट हो गया इतने साल में रेट ऑफ प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। द अमाउंट क्या हो गया आपका 645 रुपए हो गया, टाइम आपका 1/2 इयर्स हो गया, मिक्स फ्रैक्शन नहीं रहता है फ्रैक्शन रहता है, या तो नॉर्मल नंबर हो या तो फ्रैक्शन हो, हमेशा ध्यान रखिएगा ये इसको लिखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 5% हो गया, तो पी आर टी
पी है, आर है, टी है, सॉरी पी भी नहीं है, और आपके पास में एसआई है क्या? व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 645 रुपीज इन दिस? अमाउंट दिया हुआ है 1.5 साल में एंड सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो किस तरीके से आप निकालेंगे? बहुत तरीके हैं। प्रिंसिपल को आप एक तरीके से आप एक्स कंसिडर कर लीजिए। प्रिंसिपल क्या है आपका? एक्स। तो अमाउंट के तौर पर देखेंगे ब्याज कितना मिलेगा। एक्स पर 5% टाइम 3/2, ये ब्याज मिलेगा, ये ब्याज ब्याज, और पैसा कितना था आपका? एक्स था। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपको? अमाउंट मिलेगा 645 रुपए। तो व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू दिस? एंड एक्स प्लस सॉल्व करेंगे 20, 3x अपॉन 40 इक्वल्स टू 645, एंड 40 एंड 43x इक्वल्स टू 645 इंटू 40, एंड x इक्वल्स टू 645 अपॉन 43 इंटू 40। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे 645 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 43, तो 600। बात समझ गए? नहीं तो आज सिंपल सी बात है ना, एक बात तो शॉर्टकट की बात मत करिए सर, शॉर्टकट पेपर में आपका आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे, पूरा मेथड से बताना पड़ रहा है। नहीं तो 1 साल का 5% है, 1.5 साल के लिए पैसा लिया है तो आधे साल का 2.5% होगा, तो 7.5% हो गया ब्याज, 7.5%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी? 10 और परसेंटेज आगे नीचे 100 लगेगा, तो सॉल्व करेंगे 25 3 पे जाएगा और 40 पे जाएगा, और ये आपका क्या है? इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पर, तो ये प्रिंसिपल है। और आपको पैसा कितना मिला? 645 एज द अमाउंट है, तो 40 प्रिंसिपल है, 3 ब्याज देना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट 43 हो जाएगा, ये अमाउंट है, तो 43 की इक्विवेलेंट है, प्रिंसिपल निकालना है तो 40 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 600 आपका आंसर आ गया। बट आपको एग्जाम में थोड़े मार्क्स कट सकते हैं ना, ये तो हम एसएससी में लगाते हैं ट्रिक, ये सारी चीजें यहां नहीं लगाते। क्लियर है बच्चे? चलिए अब बात करते हैं हम यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट के। अमाउंट को देखो एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था ना मैंने आपको। अब बात करता हूं मैं यहां पर वही पी क्या, ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड वो सारी बातें मैं रिपीट बता चुका हूं, बट आपको समझना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है। देखिए इस कहानी को अगर आप समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। मैं शॉर्टकट कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के 10 तरीके बता दूंगा मैं आपको, शॉर्टकट तरीका ही बता दूंगा। हाँ जी बच्चे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के तो 10 तरीके, 10 शॉर्टकट ही बता दूंगा, लेकिन शॉर्टकट से आपको पेपर नहीं अटेम्प्ट करना है। आप बीकॉम में हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं है, कैट के एग्जाम में हाँ वहां शॉर्टकट लगता है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है,
हाँ जी, देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मान लीजिए, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आप मुझसे उधार ले रहे हैं 1,000 रुपए, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ठीक है सर, आप ले जाइए, लेकिन मैं आपसे 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करूंगा कंपाउंडेड। आप एग्री हो जाते हैं। आप कहते हो सर मुझे 3 साल के लिए पैसा चाहिए। मैं ठीक है जी, 10% तो मैं पर एनम लूंगा। अब सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है उस पे। अब आपको कहे सर सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में आया कि क्या होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है और कैसे सिंपल इंटरेस्ट से अलग है, सवाल यह है आपका। तो सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि जो पैसा उधार लिया जा रहा है सिर्फ ब्याज उस पर ही देना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि जो मेरा पैसा इस्तेमाल कर रहे हो उस इस्तेमाल किए गए पैसे पर आपको ब्याज देना है। तो यहां पर आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर आप बात करें तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने मुझसे 1,000 रुपए उधार लिया, ठीक है। कितना उधार लिया आपने? आपने 1,000 रुपये उधार लिया, तो पहले साल 10%, पहले साल के एंड में 10% ब्याज बनता है। बिल्कुल दोगे प्रिंसिपल पे ब्याज, क्यों नहीं दोगे भैया? 100 रुपए। नेक्स्ट ईयर आप, मैंने आपसे कहा कि लाओ भैया 1 साल का अंत हुआ, लाओ 1,000 दो, लाओ 100 रुपये मेरा ब्याज का दो, लाओ 1,100 रुपये लौटा करके और मुझे पूरा फ्री करो, आप भी फ्री मैं भी फ्री। आप कहते हैं हुजूर प्रिंसिपल तो अभी दे नहीं पाएंगे, बात रही ब्याज की तो वो भी नहीं दे पाएंगे। आप अगले साल आप मुझसे पैसा ले लीजिएगा। मैं कहता हूं कि ठीक है मैं अगले साल ले लूंगा पैसा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा कितना पैसा आपके ऊपर है। अब बताओ कितना रुपए? 1,000 रुपए। और 100 रुपए मेरा ब्याज जो अभी आपने दिया नहीं, ये पैसा भी अब आपके ऊपर है, इसको मत भूल जाना, आपके ऊपर 1,100 रुपए है। तो अब नेक्स्ट ईयर बेसिकली देखा जाए तो आप जब सेकेंड ईयर पे मैं आऊंगा तो मैं आपसे पैसा लेने आऊंगा। अब मैं इस पे आपसे जो ब्याज लूंगा 10%, जितना मेरा पैसा आपके पास में था, जितना मेरा पैसा आपने इस्तेमाल किया उसके ऊपर ब्याज लूंगा ना। तो मेरा कितना इस्तेमाल किया? 1,000 रुपए तो आपने इस्तेमाल किया, उस पे तो मैं लूंगा लूंगा, प्लस में 100 रुपए भी आपने नहीं दिए थे, तो इसके ऊपर ही ब्याज बन जाता है। तो ब्याज पर भी ब्याज की कहानी को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड हो जाना। प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट प्रीवियस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। और थर्ड ईयर की मैं बात करता हूं बच्चे, तो थर्ड ईयर देखिए, थर्ड ईयर मैं सेकंड ईयर गया, मैंने बोला लाओ भाई मेरा पैसा दो, वो 1,000 रुपए पहले के रह रहे थे और वो 100 रुपए वो पहले वाला ब्याज, और अब मेरा पैसा इस्तेमाल किया सेकंड ईयर में, तो 1,100 रुपए दोनों पे ब्याज, 110 रुपए मेरा सेकंड ईयर का ब्याज। तो मेरा पैसा आपके पास में रहते हैं 1,000 रुपए प्रिंसिपल का, 100 रुपए पहले साल का ब्याज और 110 रुपए दूसरे साल का ब्याज, सारा पैसा वापस करो। आप कहते हो सर 1 साल का और समय दीजिए, सारा पैसा आपका लौटा देंगे। मैं लूंगा ठीक है, समय देने के लिए मैं तैयार हूं, बट ध्यान रखना कितना पैसा आपके पास में है। 1,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल ने दिया हुआ, 1,000 रुपये 100 रुपये उसका ब्याज ने दिया हुआ पहले साल में, और 110 रुपये आपके, जो 110 रुपये है आपका, आपने वो भी नहीं दिया हुआ सेकंड ईयर का। तो थर्ड ईयर आ जाता है, एंड हो जाता है, और मैं अब आपसे ब्याज लगाता हूं। तो कितना ब्याज लगाना है? जितना मेरा इस्तेमाल किया गया 1,000 रुपये, पिछले सभी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, आपको दिया नहीं आपने वो इंटरेस्ट, तो 100 रुपये ये इंटरेस्ट नहीं दिया था, इस पे दोगे। ये इंटरेस्ट सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी आपका बकाया था और ये 10 रुपये ही बकाया था, तो 121 रुपये। समझ में आया बच्चे? दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में? ₹121 आप ब्याज दोगे। क्लियर है? कोई डाउट? डन।
हाँ जी देखो जरा, आपका ब्याज कितना बना 3 साल का? तो 3 साल का ब्याज आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बना 100 रुपए, दूसरे साल आपने ब्याज के रूप में बना आपका 110 रुपए, और तीसरे साल में आपका ब्याज के रूप में बना 121 रुपये, 121 रुपए। तो आपके पास में 331 रुपए 3 साल का सीआई हो गया। तो आपको कहानी समझ में आई सीआई के? पहले क्या होता है सीआई में, आप प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लेते ही लेते हो, और पिछला जो भी इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हो। तो एसआई और सीआई में क्या चीजें कॉमन है? तो सर प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट वहां भी मिलता है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट यहां भी मिलता है। क्या चीज कॉमन है सर? ये जो इंटरेस्ट पे जो क्या चीज डिफरेंस है, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने का जो खेल होता है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये चीजें क्या करती है, इसको अलग करती है। थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, हटा देता हूं। ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको? कोई डाउट? तो बड़ी सर डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड सीआई, तो ये तो भैया एसआई में भी मिलना है, ये तो सीआई में भी मिलना है। सीआई में चीज एक्स्ट्रा है, तो इसके जो नीचे वाला होता है ना, सारा सारा डिफरेंस होता है 10, 20, 30, 31, 31 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा सीआई में। क्लियर है बात समझ में? अब आप कहोगे सर इतना लेंथी क्यों कर रहे हो आप, एक बात तो मुझे बताओ, प्रिंसिपल 1000 रुपए है, ठीक है? मैं बोलता हूं बिल्कुल सही जी, प्रिंसिपल 1000 रुपए। अब पहले साल आपका 10% इंटरेस्ट बन जाता है, मैं बिल्कुल बनता है। तो सर आपका 100 रुपये ब्याज बनता है, मैं बिल्कुल बनता है। तो सर आपका ये हो गया 100, ये हो गया 1100 रुपये, 1 साल के अंत में 1100 रुपये चुकाना है, मैं बिल्कुल सही। तो आप अलग अलग ना लेकर के एक साथ इकट्ठा 1100 रुपये ब्याज ले लो। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, आप 100, 1000 रुपये मत लो, आप 1100 रुपये ले लो 10%। तो 10% इंटरेस्ट कितना बनेगा यहां पर इसका? 110 रुपये बनेगा, तो 1210 रुपये हो गया। अब आपका यहां पर 10% आपका 1210 पे 10% आप लोगे ब्याज इंटरेस्ट लोगे तो 121 रुपए, तो 1331 रुपए। लेकिन यहाँ पे ब्याज नहीं आएगा, ये आपका अमाउंट आएगा। क्या आपका अमाउंट भी इसमें इंक्लूडेड है ना, तो इसलिए आपका डायरेक्ट अमाउंट आएगा। अब एक बात और समझिए, पहले मेरी बात एक बात एक बेसिक सी बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, बार बार बातें बताने वाली नहीं होती है। 1000 रुपए 10% निकालो कितना होता है? सर बहुत आसान है, 100 होता है, निकालने की जरूरत भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक। चलिए 10% मेरे पे 1000 रुपए तनख्वाह है और 10% तनख्वाह मेरी बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी? तो 1000 का 10% निकाला, 100 बढ़ी। अब मैं कह रहा हूं मेरी तनख्वाह 1000 रुपए है, 10% मेरी तनख्वाह बढ़ी, तो मेरी तनख्वाह कितनी हो गई है? तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? 1000 रुपए है, 10% तनख्वाह आपकी बढ़ी, तो आपकी तनख्वाह 100 बढ़ी, कितनी हो गई है? तो 1000 प्लस में 100 ऐड कर दो, 1100 हो गई है। बिल्कुल सही करा आपने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको क्या ऐसे नहीं कर सकते हम, 1000 रुपए तनख्वाह है और 10% निकालना हो तो 10% निकाल लो, लेकिन निकाल के जब जोड़ने की बात आ जाती है तो एक काम और हो सकता है। ये हर चीज अपने में 100% होता है। अब 1000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 10% मेरी तनख्वाह बढ़ी, तो कितनी हो गई? तो 10% निकाल के जोड़ना पड़ेगा ना, तो कोई भी चीज अपने में 100% होती है, 100% है, 10% इसमें निकाल के जोड़ूंगा तो खुद अपने आप में 110% नहीं बन जाएगा। मैं 100% हूं, मेरा 10% मुझे में डालोगे तो मैं 110% नहीं हो जाऊंगा। तो डायरेक्ट आप क्या करो इसका, 110% कर दो। तो ऐसे भी तो हो सकता था कि चीजें जुड़ करके डायरेक्ट आ जाती है, बात समझिए समझे। तो इस खेल को ऐसे खेला जा सकता है, रुक जाइए धीरे, सब चीजें बताऊंगा आपको, बस पेशेंस रखिए। हाँ जी देखिए, तो यहां पर बेसिकली क्या है, 1000 रुपए तो 10% ब्याज मिलेगा, तो ब्याज समेत कितना हो जाएगा बात अब उसकी कीजिए, अलग अलग मत निकालिए, 1100 हो जाएगा। अब फिर से 10% ब्याज दूंगा, 1100 पे दूंगा ना पूरे पैसे पे, तो ये भी हर फिगर चेंज होने के बाद 100% हो जाता है। बच्चा आप जॉब लगेंगे नया नया, आपकी तनख्वाह होगी 40,000 रुपये, 100% एक टाइम में 70,000 हो जाएगी, वो भी आपके लिए 100% होगा, तो चेंज होने का ये 100% हो जाती है। अब इसका 10% निकाल के जोड़ूंगा तो 110% हो जाएगा, ये तो 1210 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ूंगा तो 1331 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया, या फिर आप इसको एस बोल दीजिए। अब देखिएगा एक और तरीका अमाउंट निकालने का, क्या आप ये बार बार जो कर रहे हैं एक ही बार नहीं कर देंगे? ये 1100 नहीं हो गया क्यों? आप फिर 1100 का 110% निकाल लिया, फिर आपने 1210 का 110% निकाल लिया, तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे। तो आपके पास में अमाउंट आ गया, अमाउंट इक्वल्स टू 1331। ये समझ में आया? अगर मैं इस चीज को ऐसे कर दूं, जरा समझिए, अगर इस चीज को ऐसे कर दिया जाए,
अमाउंट इक्वल्स टू, ये प्रिंसिपल है ना आपका, प्रिंसिपल वन प्लस आर बाय हंड्रेड। देखिए आर बाय हंड्रेड तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, फ्रैक्शन में आ गया, और प्रिंसिपल अपने आप में वन होता है, तो एज अ अमाउंट हो जाएगा। एक आपका पैसा था और उसमें आर बाय हंड्रेड, मतलब इसको फ्रैक्शन में कर रहा हूं, तो आपका पैसा कितना टाइम्स हो रहा है और कितनी बारी, तीन बार होता तो पावर में टी यूज कर सकता हूं। टी मतलब कितने ईयर के लिए नहीं है, कितनी बारी इंटरेस्ट चार्ज होगा। टी मतलब टाइम नहीं है, टाइम नंबर ऑफ टाइम्स है। तो यहां पर मैं सॉल्व करूंगा, इसको अमाउंट बोल दीजिए आप, एस बोल दीजिए, प्रिंसिपल क्या 1000, वन प्लस रेट क्या आपका 10%, पावर टी। अब इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, रेट को जरूरी नहीं है, पहले फिलहाल देख लीजिए 110 बटा 100 की पावर कितनी बारी ब्याज, तीन बार, तो एस इक्वल्स टू 1000 गुणा 110 बटा 100। मैं बस फॉर्मूले पे लेके आना चाह रहा था ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। क्लियर है बच्चे? एस इक्वल्स टू, और सिमिलर आप इसको अमाउंट इक्वल्स टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस टू पावर टी, कितनी बारी ब्याज मिलेगा, वन प्लस 10% है ना, तो 0.13 प्रिंसिपल एंड एस इक्वल्स टू आपके पास प्रिंसिपल क्या 1000, 1.1 रिस्ट पावर 3, आप कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हैं ना, 1.1 मल्टीप्लाई बाय। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा आपके पास में, एक हजार 1331। क्लियर है बच्चे? तो बस अब आपके लिए चीजें यही रहने वाली हैं, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज फॉर 4 ईयर एट अ 6% कन्वर्टेड। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आज की क्लास में ज्यादा हो जाएगा।